हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिसीज ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस की जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और उसके लिए जो मेन कॉजेटिव हम ऑर्गेनिज्म का है, पैरासाइट का है, तो वो है ट्राइकोमोनास वजाइनालिस। तो यहाँ पे जो हम डायग्राम के अंदर ये जो पैरासाइट्स देख रहे हैं तो दैट इज़ ए ट्राइकोमोनास वजाइनालिस और यही मेन कोजेज हम कहे तो जो रीजंस होते हैं कोई भी डिसीज़ के, डिसऑर्डर्स के, तो ट्राइकोमोनियासिस के लिए मेन कोई कोजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कहे तो वो है ट्राइकोमोनास वजाइनालिस। तो ये डिसीज़ के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से उसका डायग्नोसिस होता है और हाउ वी कैन डू द ट्रीटमेंट ऑफ द दिस ट्राइकोमोनियासिस की जिसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, मिस्टर अमर एम रावल, फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग ए वन लाइक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन एप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से आपको डाउनलोड करिए और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के डिसीज़ के अंदर। तो हमारा जो मेन पॉइंट है कि जो आपको समझना है दैट इज़ कि What is the definition of a trichomoniasis? The trichomoniasis is a common sexually transmitted infection caused by a parasite called a trichomonas vaginalis. तो आपको जो यहाँ पे पॉइंट याद रखना है वो है कि कौन से पैरासाइट के कारण ट्राइकोमोनियासिस होता है तो दैट इज ट्राइकोमोनास वजाइनालिस और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और स्पेशली ये अफेक्ट करता है वुमेन्स को। तो इन वुमेन ट्राइकोमोनियासिस कैन कोज फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज कि जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी इरिटेटिंग रहती है, फिर जेनिटल इचिंग रहता है एंड पेनफुल यूरिनेशन। ये मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं वुमेन्स के अंदर। फिर मैन के अंदर हम देखें तो मैन हु हैव ट्राइकोमोनियासिस टिपिकली हैव ए नो सिम्टम्स कि मेंस के अंदर ये काफ़ी कम अफेक्ट करता है बट वुमेन्स को उसका इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। तो स्पेशली जो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ट्राइकोमोनास वजाइनालिस तो इसके कारण ये ट्राइकोमोनियासिस होता है। तो ट्राइकोमोनास वजाइनालिस इज एन अनएरोबिक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन पैरासाइट। तो ये आप समझिए कि ट्राइकोमोनास वजाइनालिस क्या है। तो यहाँ पे जो हम डायग्राम में देख रहे हैं वैसे फ्लैजेलेटेड तो उसके पास प्रेजेंट है ये फ्लैजेला कि ये जो ये देख रहे हैं कि ये वाले एक फ्लैजेला है, ये वाले हैं। तो दीज ऑल आर द फ्लैजेला ऑफ ए पैरासाइट नेम्ड ट्राइकोमोनास वजाइनालिस और ये प्रोटोजोन पैरासाइट है एंड द मेन कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्राइकोमोनियासिस। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इट इज़ द मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक प्रोटोजोन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन्स इन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। तो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो हम देखें तो वहाँ पे ये मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक प्रोटोजोन इन्फेक्शन है कि जो अलग अलग प्रोटोजोन्स कहे हम पैरासाइट्स कहे तो ये पैरासाइट्स के कारण जो अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं उसमें से ये इन्फेक्शन है कि ट्राइकोमोनियासिस और स्पेशली ये इन्फेक्ट करता है वजाइना के अंदर और मेन कॉजेटिव एजेंट है फॉर ट्राइकोमोनियासिस द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कोजेज हम देखें तो ट्राइकोमोनियासिस और ट्रिक इज़ अ वेरी कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और इन्फेक्शन ऑफ वजाइना। तो यहाँ पे इन्फेक्शन जो है होता है स्पेशली तो वजाइनल इन्फेक्शन होता है कि ये जो पैरासाइट्स है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं वुमेन्स को, और वुमेन्स के अंदर भी जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर देखें तो जो वजाइनल पोर्शन होता है उसका सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। एंड इट इज़ कोज बाय द इन्फेक्शन विथ प्रोटोजोन पैरासाइट कॉल ट्राइकोमोनास वजाइनालिस। तो यहाँ पे हम देखें तो ऊपर की ओर उसके फॉर एंटेरियर फ्लैजेला होते हैं और नीचे की ओर जो फ्लैजेला होती है पोस्टेरियर फ्लैजेलम उसको हम कहते हैं एक्सोस्टाइल। उसकी जो हम बॉडी देखें तो बॉडी की लेंथ रहेगी अप्रॉक्स 15 माइक्रोमीटर की लेंथ का ये पैरासाइट होता है। एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो है उसकी 1/2 ऑफ बॉडी लेंथ, मतलब कि जो उसकी लेंथ है उससे एटलीस्ट हाफ होता है उसके आसपास रहा ये मेम्ब्रेन की, जिसको हम कहते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। तो मेन हम कोजेस देखें तो कोजेटिव ऑर्गेनिज्म तो ये रहा, बट ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, उसके कारण इसका जो ट्रांसमिशन भी हो सकता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के कारण विथ इन्फेक्टेड पर्सन। कि समझो कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ इस टाइप का किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उसके कारण ये प्रोटोजोआ जो है या फिर जो ये पैरासाइट्स है वो आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं और उनको कर सकते हैं इन्फेक्टेड। फिर इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स, कि आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है कि चाहे आप मेल है या फिर फीमेल, बट समझो कि प्रॉपर आप क्लीनिंग नहीं करते तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेगुलरली जब आप टॉयलेट यूज़ करें, बाथरूम यूज़ करें, ड्यूरिंग द बाथ अच्छे से आपको आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। देन लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है कि आप अपना पर्सनल हाइजीन जो है वो अच्छे से मेंटेन नहीं करते तो उसके कारण भी आपको ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज और उसमें से जो पैरासाइट्स के कारण होने वाला ट्राइकोमोनियासिस हो सकता है। तो ये कोजेज हम कहें या फिर रीजंस कि जिसके कारण आप ये डिसीज के इन्फेक्टेड होते हैं, तो ये है मेन रीजंस कि जो अच्छे से आप याद रखिए। साइन एंड सिम्टम्स हम देखें तो वुमेन्स विथ ट्राइकोमोनियासिस में नोटिस इचिंग, सबसे पहले तो इचिंग होगा, बर्निंग, रेडनेस और सोरनेस ऑफ द जेनिटल्स। जेनिटल्स मतलब कि जो वजाइनल पोर्शन जो हम कहते हैं, तो वजाइनल पोर्शन के अंदर स्पेशली जो वुमेन्स को क्या होता है, इचिंग होता है वजाइनल पोर्शंस के अंदर, बर्निंग सेंसेशन होती है, रेडनेस हो जाता है वहाँ पे एंड सोरनेस होता है। फिर हम देखें तो डिस्कम्फर्ट विथ यूरिनेशन, डिस्कम्फर्ट विथ यूरिनेशन, और यूरिनेशन जो है वो आपका रहेगा पेनफुल, बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो यूरिन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है और उसके कारण जब यूरिन पास होता है वजाइना में से तो उसके कारण भी आपको पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस होती है, बिकॉज ऑलरेडी आपका जो वजाइनल ट्रैक है वो हुआ है इन्फेक्टेड। यहाँ पे क्या होता है, वजाइनल ट्रैक होता है इन्फेक्टेड, तो वो वजाइनल ट्रैक के अंदर सोरनेस हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग आपको होती है, तो उसके कारण जब यूरिनेशन भी पास होता है तो भी वो पेनफुल यूरिनेशन कंडीशन रहती है। फिर अ चेंज इन देयर वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज की जो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि इस टाइप का जो वजाइनल डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाता है कि थिन डिस्चार्ज और इंक्रीज द वॉल्यूम, कि जो वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। दैट कैन बी क्लियर, वाइट और येलोविश और ग्रीनिश विथ अनयूजुअल फीसी स्मेल, कि उसकी जो स्मेल होगी वो काफ़ी फीसी स्मेल रहेगी, अनप्लीजेंट हम स्मेल कहे तो वो स्मेल के कारण भी आपको पता चल सकता है, या फिर उसके कलर पर से। कि जस्ट यहाँ पे मैंने सैंपल के तौर पे आपको ये जो दिखा है कि जो हम देखे थे इस टाइप का जो वाइट वजाइनल डिस्चार्ज हम देखे, तो ये वाइट वजाइनल डिस्चार्ज इंडिकेट करता है कि आपको वजाइनल इन्फेक्शन है और वो वजाइनल इन्फेक्शन को अच्छे से आगे ट्रीटमेंट जो है वो करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस की स्पेशली ट्राइकोमोनियासिस के कारण हुआ है या नहीं वो कन्फर्म करने के लिए टेस्ट करना ज़रूरी है। फिर देखें तो फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज यहाँ पे होता है, तो अच्छे से डायग्नोसिस करवाना ज़रूरी है ट्राइकोमोनियासिस का, और ये डायग्नोसिस के बेसिस पे ही आगे जो है वो हम ट्रीटमेंट कर सकते। बिकॉज नॉर्मली वजाइनल इन्फेक्शन के लिए तो हम जो टैबलेट्स वगैरह देते हैं क्लोट्राइमाजोल वगैरह की, बट स्पेशली समझो कि हमें पता चले कि ट्राइकोमोनियासिस के कारण हुआ है, तो ट्राइकोमोनियासिस को अच्छे से कील करने के लिए भी दूसरे मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो डायग्नोसिस के लिए हम कहें तो स्वैब टेस्ट परफॉर्म की जाती है, कि वजाइनल स्वैब टेस्ट हम कर सकते हैं कि जो अ सैंपल ऑफ वजाइनल फ्लूइड फॉर वुमेन और यूरिन फॉर मैन अंडर द माइक्रोस्कोप, कि सबसे पहले तो हम अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं सैंपल के डायग्नोसिस करने के लिए, जो हम स्वैब टेस्ट कहते हैं। तो उससे आप सैंपल ऑफ वजाइनल फ्लूइड फॉर वुमेन और यूरिन फॉर मैन, तो पुरुषों के अंदर जो हम कहें तो यूरिन सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप अच्छे से स्टडी की जाती है, और वुमेन्स के अंदर, महिलाओं के अंदर स्पेशली हम देखें तो वजाइनल फ्लूइड जो है उसको सैंपल कलेक्ट करके आगे उसका अच्छे से डायग्नोसिस किया जाता है। तो इस तरह से हम स्वैब टेस्ट के लिए जो हम कहें तो जो इक्विपमेंट की जो ज़रूरत पड़ती है या फिर जो ऑपरेटर्स, तो ये वाला जो स्वैब है उसको आप यूज़ करके सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं सिंपली। इफ़ द पैरासाइट्स कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप नो फर्दर टेस्ट आर नीडेड, अगर समझो कि आपको अंडर द माइक्रोस्कोप पैरासाइट्स देखने को मिल जाते हैं तो आगे कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से कंफर्म हो के आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। बट समझो कि ये टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो फर्दर टेस्ट जो किया जाता है कि जिसको कहते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन में भी ऑल्सो यूज़, कि स्वैब टेस्ट या फिर वजाइनल फ्लूइड या फिर डिस्चार्ज या फिर यूरिन सैंपल को कलेक्ट करके कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो आगे आपको फर्दर टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, कि जिसको हम कहते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन। अब बात करें हम ट्रीटमेंट की, तो ट्राइकोमोनियासिस कैन बी क्योर विथ ए सिंगल डोज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक मेडिकेशंस आइदर मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल पिल्स विच कैन बी टेकन बाय माउथ। तो जो हम देखते हैं कि मेट्रोनिडाजोल फेमस है मेडिसिन्स की, जो किसी भी टाइप के जो पैरासाइट्स इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर ये हम कहें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम ड्रग हम कह सकते कि जो अमीबा के कारण हो रहा है, पैरामीशियम के कारण हो रहा है, या फिर कोई भी पैरासाइट्स की जैसे कि ट्राइकोमोनास के कारण हो रहा है, जीआरडिया के कारण हो रहा है, तो ये सभी के अंदर मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, सेक्निडाजोल वो सब तो काफ़ी पावरफुल मेडिकेशन से ही कि जो हम यूजुअली ओरली लेते हैं। उसके अलावा ये जो ट्राइकोमोनियासिस की जो एक वजाइनल इन्फेक्शन भी करता है, तो जो हम कहें कि जो वजाइनल टैबलेट्स हम कहें कि जो स्पेशली वजाइनल कैविटी के अंदर इंसर्ट की जाती है, एज वेल एज वजाइनल पेस्ट्रीज और सपोजिटरीज ऑफ क्लोट्राइमाजोल और बेटाडीन वजाइनल पेस्ट्रीज एक्सेट्रा जो है वो यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेटाडीन वजाइनल पेस्ट्रीज का यह है, यहाँ पे भी वजाइनल पेस्ट्रीज जेन। तो ये सब वजाइनल टैबलेट्स पेस्ट्रीज एज वेल एज मेट्रोनिडाजोल के ओरल टैबलेट्स। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि जो मेट्रोनिडाजोल टिनिडाजोल वगैरह जो है ओरली लिए जाते। तो जब आप पेशेंट को ये मेडिकेशंस देते हैं हम, तो ये चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि अच्छे से उनको काउंसलिंग करना है कि कौन सी टैबलेट ओरली लेनी है और कौन सी टैबलेट वजाइनली यूज़ करनी है, वो उनको अच्छे से आपको गाइड करके बताना होगा कि जिसके कारण कोई गलती ना हो। तो वजाइनल टैबलेट सिर्फ वजाइनल रूट से ही लेनी पड़ती है, या फिर हम पेस्ट्रीज की बात करें और मेट्रोनिडाजोल टिनिडाजोल की जब पिल्स देते हैं तो वो ओरली ही दी जाती है। सेम लाइक दैट समझो कि बेटाडीन वजाइनल पेस्ट्रीज वगैरह है, तो वो भी जो वजाइनल रूट से ही पेशेंट को दिया जाता है। तो जो ड्रग्स ओरली यूज़ होते हैं, ड्रग विच आर यूज ओनली ओरली, तो ये सबसे पहले समझ लीजिए, दैट इज मेट्रोनिडाजोल। कि यहाँ पे हम देख सकते हैं मेट्रोनिडाजोल के आप जो है वो टैबलेट्स देख सकते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ है 400 mg TDS मतलब कि टरिनडाइसुमेंडम 3 times a day फॉर 7 days और 2 ग्राम सिंगल डोज। फिर देखिए टिनिडाजोल, तो 600 mg OD मतलब कि 1 a day फॉर 7 days और 2 ग्राम सिंगल डोज। बट ऊपर वाला ही प्रेफरेबल रहेगा, बिकॉज 2 ग्राम सिंगल डोज लेने के समझे कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो बेटर है कि आप 400 mg TDS दे 7 days के लिए मेट्रोनिडाजोल, या फिर टिनिडाजोल 600 mg OD दे 7 days के लिए। फिर सेक्निडाजोल हम देखें तो 2 ग्राम सिंगल डोज एज वेल एज जो उसके जो नॉर्मल डोज आते हैं 500 mg, तो वो 2 times a day भी आप दे सकते हैं। एंड निमोराजोल 2 ग्राम सिंगल डोज एज वेल एज फ्लोसोजिन 250 mg के टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये हुआ सेक्निडाजोल, आपने देखा टिनिडाजोल है, मेट्रोनिडाजोल एंड निमोराजोल। तो ये वाले टैबलेट्स का खासियत ये है कि ये ली जाती है ओरली। तो टैबलेट यूज़ ओरली, ये प्रायोरिटी बेस पे याद रखना है। सेकंड सीखते हैं वो है ड्रग्स और मेडिकेशंस विच आर यूज इंट्रावजाइनली। तो जो इंट्रावजाइनली है वो वजाइनल रूट से ही दी जाती है, कि जिसके अंदर पॉपुलर है डाई आइडोहाइड्रोक्सीक्विन डाइआइडोहाइड्रोक्सीक्विन 200 mg inserted intravaginally at bed time for 1 to 2 weeks। सो मिनिमम 7 से लेकर 14 दिन का ये कोर्स रहेगा पेशेंट के लिए। एंड डाइआइडोहाइड्रोक्सीक्विन या फिर उसके साथ कॉम्बिनेशन में दूसरे मेडिकेशंस के लाइक जो वैजिसिन का जो आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, वैजिसिन का जो प्रोडक्ट है, तो ईच टैबलेट कंटेन nystatin 1 lakh units, क्लोराम्फेनिकॉल 250 mg एंड डाइआइडोहाइड्रोक्सीक्विन उसके अंदर है 100 mg। और उसके इंडिकेशंस लिखे आप पढ़ो तो ये जगह पे तो बैक्टीरियल वजाइनाइटिस के लिए, ट्राइकोमोनियासिस के लिए, कैंडिडायासिस एंड सम अदर वजाइनल माइकोटिक इन्फेक्शन के लिए प्रेफरेबल है। तो ये जो मेडिकेशंस है स्पेशली वजाइनली ही पेशेंट को प्रीफर करने हैं। फिर फ्लोराक्विन 100 mg वजाइनल पेस्ट्रीज की वो भी सिर्फ वजाइनली ही इंसर्ट करनी रहती है। सेकंड पॉइंट हम देखें तो दैट इज क्विनोडोक्लोर 200 mg inserted in the vagina every night for 1 to 3 week। एवरी नाइट आपको 1 से लेकर 3 वीक तक, मतलब कि 7 दिन से लेकर 21 डेज तक उसको डेली वजाइनली इंसर्ट करना है एवरी नाइट। एंड जाइनोसन 200 mg वजाइनल टैबलेट वो भी जो है वो पेशेंट यूज़ कर सकता है। थर्ड ऑप्शन देखिए ड्रग्स विच आर यूज वजाइनली, दैट इज क्लोट्राइमाजोल। तो क्लोट्रामाजोल के वजाइनल टैबलेट्स आते हैं 100 mg और पेशेंट को एवरी नाइट फॉर 6 से लेकर 12 दिन तक जो है वो वजाइनल इंसर्ट करना रहता है। एंड वजाइनल टैबलेट या फिर क्रीम भी अवेलेबल है, सरफाज 100 mg। और यहाँ पे हम देखें तो सरफाज कि जो उसका ब्रांड नेम है, कॉम्बिनेशन में है क्लोट्राइमाजोल है, बैक्लोमिथासोन है, डाइप्रोप्रोपियोनेट है एंड नियोमाइसिन सल्फेट की जो क्रीम कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल वगैरह का काम करेगी। तो पॉपुलर मेडिकेशंस में तो ये आप देख सकते हैं क्लोट्राइमाजोल तो है ही ऑलरेडी फेमस कि जो वजाइनल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। फिर ये जो हम ऑप्शंस देखें तो देट आर हेमाइसिन 4 to 8 lakh unit इंट्रावजाइनली डेली फॉर 15 days और हेमाइसिन वजाइनल 4 lakh unit ओव्यूल्स। फिर नाटामाइसिन की हम देखें तो 25 mg नाइट इंट्रावजाइनली एप्लीकेशन फॉर 10 days और नाटामाइसिन 25 mg वजाइनल टैबलेट्स। फिर ये जो हम देख रहे हैं कि पोविडोन आयोडीन की जो वजाइनल पेस्ट्री है कि जो बेटाडीन हम कहते हैं, तो बेटाडीन के वजाइनल पेस्ट्रीज भी पॉपुलर है कि जो ट्राइकोमोनियासिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, कि जो हम कहते हैं कि पोविडोन आयोडीन कि उसके ऑइंटमेंट्स भी हम यूज़ करते हैं स्किन इन्फेक्शन के लिए एज वेल एज वजाइनल इन्फेक्शन के लिए भी ये मेडिकेशंस काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। तो 14 mg इंसर्टेड इन द वजाइना डेली एट नाइट फॉर 2 वीक। या फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं वैसे बेटाडीन के वजाइनल टैबलेट की जो उसका मार्केटेड फार्मूलेशन है कि जो पोविडोन आयोडीन उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये था मेडिकेशंस ऑफ ट्राइकोमोनियासिस। फिर उसके कोजेज हमने समझे अच्छे से, डायग्नोसिस के बारे में समझा, साइन एंड सिम्टम्स देखे। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, वैल्यूएबल कमेंट्स करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं 9426180836। सब्सक्राइब करिए चैनल, यूज़ करिए ऐप फार्मारॉक्स, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।